So welcome in biology classes with Rakesh Bhatia. Today we are going to discuss about the biological classification of chapter 2 of plus 1. Biological classification. You know very well why classification is essential. Classification ki zarurat kya hai? You know there are about 1.7 to 1.8 million. 1.7 to 1.8 million species on this earth, approximately. ठीक है, तो इन सब को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, देयर सिमिलरिटीज. ठीक है, तो इसलिए जो है क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल. तो क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम बात करें कि क्लासिफिकेशन में कौन सी टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज यूज होती है. तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज. स्पीसीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन. स्पीसीज के बाद आता है जीनस. स्पीसीज से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा होता है ऑर्डर. देन इज क्लास, देन इज फाइलम. ठीक है, उसके बाद आता है किंगडम. फाइलम के बाद आएगा किंगडम और किंगडम के बाद आता है सबसे बड़ा डोमेन. ठीक है, तो यहां बात आती है कि डोमेन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज. तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा यूनिट जो कौन सी हायरार्की में कौन सा जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहां पर है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करें सबसे पहले अरिस्टोटल से. अरिस्टोटल, यू नो वेरी वेल हु इज अरिस्टोटल. अरिस्टोटल इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी. बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर है अरिस्टोटल. अरिस्टोटल ने क्या किया कि एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, लिविंग वर्ड्स को, सॉरी लिविंग वर्ड्स, लिविंग वर्ड, डिवाइडेड द लिविंग वर्ड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप वाज एनिमालिया एंड सेकंड ग्रुप वाज प्लांटा. मतलब उसने क्या कहा, एनिमल्स और प्लांट्स ने रखा. ठीक है, एनिमल्स एनिमालिया रहने देते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स. सबसे पहले उसने लिविंग वर्ड जो थी उसको दो ग्रुप पर डिवाइड किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑन द बेसिस ऑफ की जो चल फिर सकते थे और जो स्टेशनरी थे खड़े थे उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया. जो प्राइमरी फेस देखने से लगता है कि ये एनिमल हो सकता है और ये प्लांट हो सकता है. फिर उसके बाद उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया आगे. कुछ एक ग्रीन स्टेम प्लांट थे, कुछ बुशीज थी. ठीक है ना, तो बुश उसने डिवाइड किया इनको हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. ठीक है, प्लांट्स को उन्होंने छोटे बड़े और उससे बड़े उस तरीके से डिवाइड कर दिया, हर्ब श्रब एंड ट्रीज में. अब एनिमल्स को भी उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, एक वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड था, रेड ब्लडेड, एंड एक रेड ब्लडेड आ गए और दूसरे थे विदाउट रेड ब्लड, रेड ब्लडेड एंड विदाउट रेड ब्लड. तो इस तरीके से उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स थे लिविंग वर्ल्ड के उन्होंने अरिस्टोटल ने उन्होंने डिवाइड कर दिया. तो रेड ब्लडेड जो थे उन्होंने उनको कहा अनेमा, इनेमा, ई एन ए आई एम ए, अनेमा. और जो रेड विदाउट रेड ब्लड थे उन्होंने कहा अनेमा, ए एन आई ए आई एम ए, अनेमा, इनेमा एंड अनेमा. जिनके रेड ब्लड थे उन्होंने उसको कहा इनेमा और जिनका रेड ब्लड नहीं था उसको कहा अनेमा. ठीक है, तो ये थी क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल. मतलब क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग कहां से करी, अरिस्टोटल से इसकी स्टार्ट हुई है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि उसके बाद नया साइंटिस्ट आए इस फील्ड में, क्लासिफिकेशन की फील्ड में, दैट वाज कैरलस लिनियस. कैरलस लिनियस, कैरलस
Carolus Linnaeus is also called as father of taxonomy. Carolus Linnaeus, father of taxonomy. तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी 1758 में, वो क्लासिफिकेशन बड़ी फेमस रही उस दौरान. ठीक है, इन्होंने एनी लिविंग वर्ल्ड को दो क्लास किंगडम में डिवाइड कर दिए. दे डिवाइड द लिविंग वर्ल्ड टू टू किंगडम्स. पहला किंगडम था प्लांट्स, पहले उसने प्लांट्स रखे उसमें, और दूसरा था एनिमल्स वाला. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को इन्होंने अलग अलग कर दिया. ठीक है, तो ये थी इनका जो साइंटिफिक ऑर्डरिंग थी, इन्होंने किस तरीके से रखा अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. इनका बेस क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. पहला ये पॉइंट था रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. दूसरा उन्होंने क्या पॉइंट रखा, मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी के बेस पर, मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. एंड थर्ड पॉइंट जो इन्होंने रखा, दैट वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मीन उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, थर्ड पॉइंट वाज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री. मतलब इस पॉइंट पे उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. बट दे वर नॉट एबल टू, ये बताने के लिए ये क्लासिफिकेशन वाज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज कैरलस लिनियस वाज नॉट एबल टू डिफाइन, ये बताने ही वाज नॉट एबल टू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन photosynthetic and non-photosynthetic organism. मतलब उन्होंने ये concept ही नहीं दिया photosynthetic और नॉन फोटोसिंथेटिक्स का. दूसरी बात यहां आई कि ही वाज नॉट अवेलेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. उनको यह पता नहीं था प्रोकैरियोट्स कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन से हैं. यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स वर नॉट डिफाइंड. मतलब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को नहीं डिफाइन किया गया. थर्ड पॉइंट यह था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर नॉट डिस्टिंग्विश्ड. ऑल्दो इस टाइम का जो ये सिस्टम था कार्लस लिनियस का, दैट वाज वेरी फेमस, पर फिर भी इट वाज नॉट कंप्लीट क्लासिफिकेशन. ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं थी. क्यों नहीं थी, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक की बात नहीं की, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट की बात नहीं की, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात इन्होंने नहीं की. उसके बाद जो अगले हमारे साइंटिस्ट आए, पहले एरिस्टोटल थे, दूसरे कैरलस लिनियस थे, और तीसरे जो साइंटिस्ट आए दैट इज एर्नेस्ट हिकल. एर्नेस्ट हिकल, एर्नेस्ट हिकल आए उसके बाद, और उन्होंने जो था अनदर 1886 में थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने कौन सा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, बायोलॉजिकल थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उन्होंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन किंगडम में डिवाइड कर दिया. पहला किंगडम उन्होंने लिया प्रोटिस्टा, प्लैंटा एंड एनिमालिया. प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या रखे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहां रखे गए प्रोटिस्टा में. प्लैंटा में उन्होंने प्लांट्स रखे, जितने भी प्लांट्स थे, और एनिमालिया में ऑल एनिमल्स,
whether small, macroscopic or large, जितने भी animals थे वो सब इसमें रखे इन्होंने इन तीनों किंगडम में, एनिमल्स एंड प्लांटा एंड प्रोटिस्टा में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इसके बाद जो नए साइंटिस्ट 1866 सॉरी इट वाज 1866, उसके बाद हमारे जो नए जो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड, ठीक है, अर्नेस्ट हिकल के बाद आए कोपलैंड, एंड कोपलैंड गेव फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्होंने तीन की जगह क्या कर दिए, चार किंगडम कर दिए, उन्होंने कहा कि तीन किंगडम नहीं है भाई, ये तो चार किंगडम है। उन्होंने क्या किया, चौथा किंगडम उन्होंने क्या कर दिया, ऐड मुनरा ऐड कर दिया यहां पे, ठीक है ना, प्रोटिस्टा और साथ में मुनरा, तो यहां चार किंगडम कौन से आ गए, प्रोटिस्टा, मुनरा, प्लांटा एंड एनिमालिया, ठीक है। तो ये फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड, और ये कब दिया था, इट वाज गिवन 1956 में, दैट वाज फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कोपलैंड ने क्या दिया था, चार किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1956, और उन्होंने नया किंगडम जो ऐड किया दैट वाज मुनरा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही डेवलपमेंट चलती रही इस क्लासिफिकेशन की फील्ड में, और 1969 में आर एच वाइटेकर आए, आर एच वाइटेकर, और 1969 में आर एच वाइटेकर ने मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसको बोलते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि क्लासिफिकेशन की फील्ड में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लगातार चेंजेस आ रही हैं, जैसे साइंटिस्ट अलग नए आ रहे हैं वो नई चीजें बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया डिवाइड लिविंग वर्ल्ड को मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमालिया, ठीक है। तो इन्होंने जो नया किंगडम जो ऐड कर दिया यहां पे दैट वाज फंजाई। तो फाइव किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर इन 1969, और इनकी जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का बेस था दैट वाज बेस्ड ऑन, बिकॉज इट इज मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसका बेस किसके पर, क्या बेस था इसका, सेल स्ट्रक्चर, पहले हमने किस पे बात की, सेल स्ट्रक्चर को देखा और उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिफरेंशिएट किया। थर्ड सेकंड पॉइंट था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस मीन बॉडी स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर बॉडी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात की, थर्ड इन्होंने बात की यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट था जो कि आर एच वाइटेकर ने दिया वो था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे सेम रिप्रोडक्शन में होती थी उनको एक कैटेगरी में रखा, एक किंगडम में रखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो फिफ्थ पॉइंट था दैट वाज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो दिस वाज द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दैट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर। उसके बाद आती है सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आगे बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फाइव किंगडम्स, जो आर एच वाइटेकर ने क्लासिफिकेशन दी थी और उसमें ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में डिवाइड किया। तो इसकी जो कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं वो क्या क्या है। पहले हम बात करते हैं मोनरा, ठीक है, फिर लिखेंगे प्रोटिस्टा की बात करेंगे, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमालिया, इनका डिवाइड करते हैं हम, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म कैसे हैं।
सबसे पहला पॉइंट है यहां पे कि सेल टाइप क्या है इनकी, सेल टाइप। तो सेल टाइप की बात करेंगे तो दे आर इंक्लूडेड इन मोनरा। मोनरा में जो है, मोनरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। मोनरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन दे हैव नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनका न्यूक्लियस क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, दे आर यूनिसेलुलर बट नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, मींस दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। फंजाई भी क्या है, यूकैरियोटिक। प्लांटा भी क्या है, यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस सेल स्ट्रक्चर। एनिमलिया भी क्या है, सभी यूकैरियोटिक है ये सभी, ठीक है। तो सेल टाइप जो है तो दैट इज मोनरा का डिफरेंट है और बाकी सबका क्या है, सेम है। मतलब प्रोटिस्टा भी जो है दैट इज सिंगल सेल, लेकिन फंजाई मल्टीसेलुलर है, प्लांटा भी मल्टीसेलुलर आ जाएंगे और एनिमलिया भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। उसके बाद सेल वॉल की बात करते हैं। दूसरी सेल वॉल कहां होती है और कहां नहीं होती है और कैसी होती है। सेल वॉल जो है दैट इज इसकी जो बात, सेल वॉल है मोनरा की, दैट इज नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक मतलब उसमें सेलुलोज नहीं होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोटिस्टा है या फंजाई प्लांटा है, एनिमलिया में नहीं होगा, बट बाकी में होता, देखते हैं कैसे। तो सेल वॉल क्या है इसकी, नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक दैट इज फॉर्मड ऑफ, किसकी बनी है ये, इट इज बनी है, ये बनी है अमीनो एसिड एंड पॉलीसेक्राइड की। अब अमीनो एसिड तो आपको पता है उनसे बनता है प्रोटीन, और पॉलीसेक्राइड क्या है, शुगर। तो प्रोटीन और शुगर की बनी, हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम केसेस, ठीक है। फंजाई में प्रेजेंट होती है ये, बट विदाउट सेलुलोज। प्रेजेंट सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट विदाउट सेलुलोज। सेलुलोज नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, इट इज काइटिन, काइटिन इज प्रेजेंट। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट हो गया, यहां पे काइटिन प्रेजेंट है यहां पे। उसके बाद बात करें प्लांटा की, तो प्लांटा में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है यहां पे, प्रेजेंट कैसे, सेलुलोजिक। सेलुलोजिक सेल वॉल यहां प्रेजेंट है, और एनिमलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ये बात आ गई सेल वॉल की, ठीक है ना। तो यहां मोनरा में सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, यहां सेल वॉल बनी होती है शुगर और अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में कुछ केसेस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पर सेलुलोज नहीं होता, यहां पर मतलब सब साफ हो, जिसका नाम है काइटिन, ठीक है। और प्लांटा में तो आपको पता है सेल वॉल इज प्रेजेंट, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सेल वॉल के बेस पे ही हार्ड होते हैं, और एनिमलिया में जो सेल वॉल है दैट इज एब्सेंट। उसके बाद बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनरा में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर इन्वॉल्व, सो दीज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। इनमें न्यूक्लियस के बाद इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे प्रोकैरियोट क्या होते हैं, ये मान लीजिए सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल का इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहां पे जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है, और इसके बाहर न्यूक्लियस कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो इसमें सेल है, मान लीजिए प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या एल्गल सेल है या प्रोटिस्टा या फंजाई का सेल है, तो यहां पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस रियल मटीरियल, न्यूक्लियर मटीरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटीरियल दैट इज डीएनए जो कहां है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, इसलिए ये क्या है, यूकैरियोट है, क्योंकि यहां पर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है यहां पे। मीन न्यूक्लियर मटीरियल इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर इन्वॉल्व, और यहां पर क्या है, न्यूक्लियर इज नेक्ड, इसको हम बोलेंगे नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड।
तो हम बात करेंगे जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात आ रही है, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, और प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और यहां भी प्रेजेंट है, और यहां भी प्लैंटा में प्रेजेंट है, एनिमलिया में ये मेम्ब्रेन जो है दैट इज प्रेजेंट। तो ये आपको बात क्लियर होगी कि यूकैरियोटिक कौन है और प्रोकैरियोटिक कौन है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां क्या है, मोनरा में यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, बॉडी कैसी है कि सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के होते हैं ये, और यहां भी क्या है यूनिसेलुलर सिंगल सेल, ठीक है। और बात करें फंजाई की, तो फंजाई की बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, बट जो टिश्यू होते हैं इसके मल्टी सेलुलर जो टिश्यू होते हैं सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड, लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल, लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लूजली अरेंज्ड है यहां पर। उसके बाद हम बात करेंगे प्लैंटा की, तो प्लैंटा में तो आपको पता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमलिया में भी है सेल देख टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर, यहां भी सेलुलर, यहां मल्टी सेलुलर, और यहां टिश्यू लेवल, दोनों में लास्ट दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट और एनिमलिया में, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी सेलुलर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है सेलुलर, हम यहां यूनिक की बजाय सेलुलर लिख सकते हैं यहां पर चाहे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है कि सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे उन्होंने डिवाइड किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये पॉइंट्स वो है जिसमें आरएच बाइटेक्टर ने फाइव किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया, ये पॉइंट उन्होंने कंसीडर किए गए फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया मोनरा के कैसे ऑर्गेनिज्म थे, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म थे ऑटोट्रॉफिक, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या थे ऑटोट्रॉफिक, मींस दे कैन मेक देयर फूड मटेरियल देमसेल्फ, कुछ एक थे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में भी, ऑटोट्रॉफिक में क्या थे कुछ एक हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक में अलग अलग हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक और कुछ एक थे इन्होंने फोटोसिंथेटिक, कुछ एक कीमोसिंथेटिक, कुछ एक फोटोसिंथेटिक और कुछ एक थे हिटरोट्रॉफ्स, मतलब फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन जो है वो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्लोरोफिल की तरह से बना लेते हैं, उनको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक जो होते हैं वहां पे एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द रिएक्शन दैट इज बाय केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, केमिकल से भोजन बनाएंगे अपना ये। तीसरे आते हैं हिटरोट्रॉफ्स, हिटरोट्रॉफ्स दे कांट मेक देयर फूड मटेरियल, दे आर सैप्रोट्रॉफ्स और दे लिव एज पैरासाइट्स। हिटरोट्रॉफ्स जो दो प्रकार के हो सकते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये था इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उन्होंने मोनरा को कितना डीपली स्टडी किया था कि उन्होंने देखा कि ऑटोट्रॉफिक है कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ ऑटोट्रॉफिक में दो प्रकार के हैं, कुछ एक जो दैट इज हिटरोट्रॉफिक, एक आगे ऑटोट्रॉफिक और दो आगे दो नंबर पे आगे हिटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में वो है जो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक है, और हिटरोट्रॉफिक में कैसे होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स एंड पैरासाइट, ठीक है। तो ये बात यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लियर हो गए किसकी, बैक्टीरिया के बारे में। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में मोस्टली कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, बट फ्यू आर हिटरोट्रॉफ्स, बट फ्यू आर हिटरोट्रॉफ्स, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है ना। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ज्यादातर जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। फंजाई, फंजाई तो आपको पता दैट इज हिटरोट्रॉफ होती है, दैट इज हिटरोट्रॉफ है ये फंजाई, दे हैव नो
ग्रीन कलर, मतलब इनके बीच में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हीटरोट्रॉप है और इसका न्यूट्रिशन जो है दैट इज सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। कैसा न्यूट्रिशन हो सकता है? सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है, समझाइए। क्लियर सी बात है, क्योंकि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट है। तो ये था क्लासिफिकेशन का बेस। उसके बाद बात है प्लैंटा, तो प्लैंटा आपको पता सभी क्या आएंगे इसमें, ऑटोट्रॉफिक, सारे के सारे प्लांट्स जो हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। एनिमल ये मानो ना वो ऑर्गेनिज्म बीच में हीटरोट्रॉफ्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर फूड मटेरियल, तो वो ऑर्गेनिज्म यहां पे एनिमल ये मानो ने सिलेक्ट किए। तो ये था मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। हीटरोट्रॉफ में क्या सकते हैं हम, एनिमलिया में जो कि होलोजोइक भी थे, पूरे के पूरे जीव को निगलने वाले होलोजोइक, और कुछ है सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, इनको भी उन्होंने किसमें रखा, एनिमल्स में ही, एनिमलिया नहीं रखा किंगडम में, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस था ये कि सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो ये पांच पॉइंट थे जिनके बेस के ऊपर आर एच वाइटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। सो आफ्टर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाई आर एच वाइटेकर, एक नए साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था कार्ल बूस इन 1977 में, कार्ल बूस इन 1977, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दिया सिक्स किंगडम सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि जो फाइव किंगडम सिस्टम के ऑर्गेनिज्म, फाइव किंगडम सिस्टम था आर एच वाई टेकर का, वो क्या था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटा एंड एनिमालिया। इन्होंने क्या किया कि इस मोनरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, दो किंगडम, मोनरा के दो किंगडम बना दिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के दो किंगडम इन्होंने बना दिए, इसका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से बन गए सिक्स किंगडम्स। आर्की बैक्टीरिया मतलब मोनरा को डिवाइड करके आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में इन्होंने डाल दिया। तो दिस इज द सिक्स किंगडम सिस्टम दैट वाज गिवन बाय कार्ल बूस इन 1977, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम इज आर एच वाइटेकर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेटर ऑन कार्ल बूस, उसके बाद कार्ल बूस ने 1990 में क्या कर दिया कि इन सबको मिला के थ्री डोमेन्स क्रिएट कर दिए, थ्रू क्रिएटेड 1990, कार्ल बूस 1990, हम बात करेंगे कार्ल बूस क्रिएटेड थ्री डोमेन्स। कार्ल बूस ने 1990 में तीन डोमेन बना दिए। डोमेन में क्या क्या डोमेन बनाए उन्होंने, पहला डोमेन बना दिया अर्किया, दूसरा डोमेन बना दिया बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन बना दिया यूकैरियोटा। तो हम यहां देखेंगे कि ये एक डोमेन बना दिया आर्किया, और बैक्टीरिया का दूसरा डोमेन बना दिया बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो चारों थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटा, एनिमलिया, इन सबको रख लिया एक अलग डोमेन में यूकैरियोटा। हम यहां पे क्वेश्चन बनता है कि डोमेन बड़ा है कि किंगडम बड़ा है, ठीक है, डोमेन बड़ा हुआ कि किंगडम बड़ा हुआ, क्योंकि देखो यहां डोमेन कितने हैं, डोमेन तीन है और किंगडम कितने हैं, छह हैं, तो किंगडम बड़ा हुआ कि डोमेन बड़ा हुआ, तो दिस इज डोमेन इज बिगर देन किंगडम, ठीक है। तो यहां पे थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय कार्ल बूस इन 1993, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्टेड द होल फाइव किंगडम्स और सिक्स किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू थ्री डोमेन्स। वहां देखा गया कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या थे, ये प्रोकैरियोट्स थे, मतलब प्रोकैरियोट्स को उन्होंने एक डोमेन में डाल, लगभग दो डोमेन बना दिए, और जितने भी यूकैरियोट्स थे उसको सिंगल डोमेन में रख दिया। यूकैरियोट्स पे कौन कौन है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटा, एनिमालिया, इन सबको यूकैरियोटिक डोमेन में रख दिया। तो दिस इज व्हाट द
क्लासिफिकेशन, ठीक है,